नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं मेलबर्न की ओर। भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया था। विराट कोहली की तूफानी पारी की वजह से टीम इंडिया ने हार के मुंह से निकलकर जीत हासिल की। मैच में एक समय पाकिस्तान की जीत पक्की दिख रही थी। भारत के 3 प्रमुख बल्लेबाज पावर प्ले में ही पवेलियन लौट गए थे, लेकिन इसके बाद विराट को हार्दिक पांड्या का साथ मिल गया और टीम लक्ष्य के करीब पहुंच गई। भारत और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न में हुए मुकाबले का एक पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम में अपने देश का झंडा उल्टा लहरा रहा है। इस पर पीछे से एक भारतीय दर्शक उसे चिल्लाकर बताता है कि उल्टा है उल्टा है, लेकिन पाकिस्तानी दर्शक को बात समझ नहीं आती। लेकिन बार बार बोलने और हाथ के इशारे मिलने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वीडियो के अंत में भारतीय दर्शक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि और इन्हें कश्मीर चाहिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। IPS अधिकारी दीपांशु काबरा ने भी इसे ट्वीट किया है। भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप में अब नीदरलैंड से भिड़ना है। यह मुकाबला 27 अक्टूबर को सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। अभी तक T20 में भारतीय टीम की टक्कर नीदरलैंड से नहीं हुई है। भारतीय टीम सुपर 12 के ग्रुप 2 में 2 पॉइंट के हाथ अभी उस दूसरे नंबर पर है। नीदरलैंड को 9 रन से हराने वाला बांग्लादेश पहले नंबर पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का सामना जिम्बाब्वे से होगा। यह मुकाबला भी 27 अक्टूबर को ही खेला जाएगा। पर्थ स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट में अपना खाता खोलना चाहेगी। जिम्बाब्वे के दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच बारिश की वजह से बेनतीजा रहने की वजह से 1 पॉइंट मिला था। दोस्तों, आपने देखा कि भारत पाकिस्तान का T20 मैच चल रहा था, पाकिस्तान के नागरिक ने अपने राष्ट्रीय झंडे को उल्टा लहराया, जिसे देखकर एक भारतीय ने उसे सबक सिखाया कि यह उल्टा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान कभी सुधरा है या कभी सुधरेगा या नहीं भी सुधरेगा? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।